चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पचवारा की धरती कहे जाने वाले दौसा के नांगल राजावतान में विशाल जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को अपना मित्र बताते कई पुरानी यादों को ताजा किया। चुनाव प्रचार के आखिरी क्षणों में पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते कहा कि कांग्रेस के पास यहां केवल सेनापति ही नहीं सेना भी नहीं है। पीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधते कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी पार्टी के पूर्व मंत्री का नाम ही पता नहीं है। जो कुंभाराम पर कुंभकर्ण में भेद नहीं जानते वो देश व प्रदेश को क्या चलाएंगे। आदिवासी मतों को लुभाने के लिए ये कहने से भी नहीं चूके कि 50 साल तक कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही आदिवासी मंत्रालय की स्थापना की। विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज अजमेर में रोड शो रहा। वहीं कांग्रेस के स्थानीय प्रत्याशियों ने भी अपने स्तर पर रोड शो किए। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही सड़कें सूनी नजर आई, शोरगुल थम गया। जिले के बाहर से आए नेताओं ने भी शहर छोड़ दिया। जहां तक बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ जीतो सीट जीतो का नारा दिया है, वहीं कांग्रेस भी पूरी तरीके से बूथ स्तर पर समीकरण बनाने में मैनेजमेंट बनाने में जुट गई है और जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सौंपी जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज नोखा से भाजपा प्रत्याशी बिहारी लाल विश्नोई के समर्थन में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, भाजपा ने हर क्षेत्र में किए हैं विकास कार्य। इसके बाद रमन सिंह ने चुनाव प्रचार रुकने से एन वक्त पहले बीकानेर में की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता के दौरान राजबब्बर द्वारा नक्सलवादियों को क्रांतिकारी बताए जाने के बयान को लेकर कहा कि कांग्रेस की इसी संकीर्ण मानसिकता के कारण नक्सलवाद और आतंकवाद बढ़ा था। हमने नक्सलवाद पर नकेल कसने का काम किया है। हमारे देश के शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। देश में नक्सलवाद और आतंकवाद जड़ से समाप्त होगा। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही अब नेताजी घर घर दस्तक दे रहे हैं, तो इधर प्रशासन इलेक्शन अलर्ट मोड पर आ गया है। आज बीकानेर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टीज को रवाना किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एनके गुप्ता और एसपी सवाई सिंह गोदारा दिशा निर्देश देते दिखाई दिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि फ्री और फेयर इलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, साथ ही बीकानेर जिले के लोगों से अधिकाधिक मतदान की अपील की। तो वहीं एसपी सवाई सिंह गोदारा ने कहा कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, तमाम क्षेत्रों पर पैनी नजर है, अर्धसैनिक सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी और अव्यवस्था फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 7 दिसंबर को आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज 3 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दल हुए रवाना। 7 दिसंबर को आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित पीजी कॉलेज से मतदान दल रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक बाड़मेर जिले के शिव पचपदरा शिवाना के लिए मतदान दल रवाना किए गए है। हालांकि बाड़मेर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में से 3 विधानसभा क्षेत्र शिवाना, शिव व पचपदरा के लिए आज मतदान दल रवाना किए गए हैं। 7 दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने चुनावी समर के लिए अपनी कमर कस ली है और आज विभिन्न मतदान केंद्रों पर पुलिस पार्टियां रवाना कर दी गई है। जिला कलेक्टर नरेश सकराल ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 5 जवानों का जाप्ता तैनात रहेगा, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल रहेंगे। इसी के साथ एरिया मजिस्ट्रेट के साथ अलग से पुलिस के जवान साथ में रहेंगे, तो वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ भी पुलिस टीम रहेगी। QRT टीम है वो अति संवेदनशील केंद्रों पर तैनात की गई है। तो कुल मिलाकर बात करें तो अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर वेवकास्टिंग तो होगी, साथ में अतिरिक्त पुलिस का जाप्ता भी तैनात रहेगा। प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनाव का शोर आज पूरी तरह से थम गया। शाम 5 बजे बाद प्रत्याशियों ने घर घर जाकर अपने जनसंपर्क का अभियान शुरू किया। अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार आज मतदाताओं के घर घर जाकर संपर्क करने में जुड़ गए। प्रतापगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए
सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर एक CRPF की कंपनी और 5 त्रिपुरा राइफल्स कंपनी तैनात की गई है। जिले में कुल 573 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर प्रतापगढ़ और धरियावद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए मतदान दलों की रवानगी होगी। चित्तौड़गढ़ जिले में भी आज शाम 5 बजे से चुनावी शोरगोल थमने के साथ ही प्रत्याशियों ने डोर टू डोर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इधर जिला निर्वाचन विभाग भी 7 दिसंबर को मतदान कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। चित्तौड़गढ़ जिले में विधानसभा चुनावों का शोरगोल थमने के साथ ही पोलिंग पार्टियां भी 7 दिसंबर को मतदान कराने के लिए रवाना होने लगी हैं। आज जिले की बेगू और बड़ी सालटी विधानसभा के लिए मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है, जबकि शेष रही चित्तौड़गढ़, कपासन और निम्बाहड़ा विधानसभाओं के लिए कल मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। जिले भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी मतदान के लिए जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से कटिबद्ध है। कुल मिलाकर प्रत्याशी और प्रत्याशियों के समर्थक आज और कल की रात को कयामत की रात मान रहे हैं, तो वहीं जिला निर्वाचन विभाग के आगे भी चुनौती कम नहीं है। लेकिन इधर निर्भीक और निष्पक्ष मतदान के लिए पुलिस ने भी पूरी तरह कमर कस ली है।